हेलो दोस्तों, आज जी मैं वीडियो लेके आई हाँ। आज की वीडियो दे विच आपां गल करन जा रहे हैं LMIA बेस्ड वर्क परमिट के बारे। अगर तुसीं वर्क परमिट लेना चाहते हो अते कनेडा जाके 2023 दे विच कम करना चाहते हो तो सब तो ज्यादा टॉप 5 जॉब्स कड़िया ने उहदे बारे अज आपां गल करांगे। सब तो पहला वीडियो स्टार्ट करते मैं तुम्हें दसना चाहनी हाँ कि साढ़े वालों जी जानकारी दी जाती है बिल्कुल कनेडियन रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। सो अगर तुम वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो तो वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करो ताकि आने वाली नवी नवी वीडियो सब तो पहला देख सको। हूँ आप स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो। अज की वीडियो मैं टॉप 5 जॉब्स बारे दसन जा रही हाँ जिहड़ा अगर तुसीं वर्क परमिट ते कनेडा जाना है तो किहड़ियां-किहड़ियां जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है। सब तो पहला आप गल करन जा रहे हैं नर्सिंग। अगर तुसीं नर्सिंग के तौर पर कनेडा जाना है एज ए नर्स काम करना है तो तुहानूं कनेडा के विच लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हुंदी है। बट इहदे नाल ही इस फील्ड के विच नर्सिंग असिस्टेंट, हैल्थ केयर सपोर्ट वर्कर अते नर्सिंग सपोर्ट वर्कर के तौर पर अगर तुसीं काम करते हो तो तुहानूं किसी भी लाइसेंस की लोड़ नहीं हैगी। कनेडा जाके तुसीं साल डेढ़ साल उत्थे काम करते हो तो तुसीं टैस्ट के लिए अपीयर कर सकते हो अते हैल्थ केयर सपोर्ट वर्कर का नर्सिंग सपोर्ट वर्कर के तौर पर तुसीं जो जाते हो उत्थे तां तुसीं उत्थे ईजली $16 तो लैके $19 तक प्रति घंटे के हिसाब नाल तुहाडी सैलरी हुंदी है। सो मतलब कि जिहड़े नर्सिंग असिस्टेंट, हैल्थ केयर सपोर्ट वर्कर अते नर्सिंग सपोर्ट वर्कर के तौर पर तुसीं वर्क परमिट लैके कनेडा जा सकते हो। हुण आपां गल करन जा रहे हां नैक्सट अगली हैगी है जी फूड सर्विस सुपरवाइजर। फूड सर्विस सुपरवाइजर की भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कनेडा के। अगर थोड़े को एक तो लैके 2 साल तक का थोड़े होम कंट्री के फूड सर्विस सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस हैगा तो तुम ईजली इस भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है कनेडा के। नैक्सट हैगा जी अर्ली चाइल्डहुड जो वर्कर होंगे ने उन्होंने सपोर्ट वर्कर की भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कनेडा के। जो डे केयर सेंटर ने उन्होंने भी सपोर्ट वर्कर जो होंगे ने उन्होंने भी रिक्वायरमेंट हैगी है। तुम ये भी अपने आप भी अप्लाई करके कनेडा पहुँच सकते हो। नैक्सट है जी ट्रक ड्राइवर। अगर तुम अपनी होम कंट्री के ट्रकिंग का थोड़े को एक्सपीरियंस हैवी ट्रक ड्राइवर का थोड़े को लाइसेंस हैगा एक्सपीरियंस हैगा तो तुम ईजली ट्रक ड्राइवर के तौर पर कनेडा जा सकते हो। अते इहदे लई की है तुहानू जनरल आइलैट्स दे विचों 4 तों लैके 5 मिनट तुहाडे होने चाहिए ने तां तुसीं ईजली कैनेडा जाके बहुत ही वधिया इनकम प्राप्त कर सकते हो। नैक्सट हैगा जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दे विच। जिहड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उहदे विच भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इहदे विच की है तुसीं कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हो अते कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हो। जिहड़े मतलब कि पलंबर वगैरह आ जाते हैं वो वाले ट्रेड वाले जो लोग ने भी इस कैटागरी आते हैं कंस्ट्रक्शन के अंडर ही आते हैं। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो ये 5 कैटागरी ने इन्हों के अगर तुम 2023 अप्लाई करके वर्क परमिट लैके जाते हो तो डेफिनेटली बहुत ही सौखे ढंग कनेडा सैटल हो सकते हो। ज़्यादा डिटेल के अगर तुम जानकारी लैनी है तुहाडे मन विच कोई कन्फ्यूजन है तो तुसीं साडे पिछे दित्ते नंबर्स दे उपर कंटैक्ट करके साडे नाल गलबात कर सकते हो अते जानकारी लै सकते हो। साडे वल्लों सारी जानकारी तुहानूं कैनेडियन रूल्स दे अकॉर्डिंगली ही दित्ती जाएगी। सो प्लीज़ वीडियो नूं ज़्यादा लाइक अते शेयर भी जरूर करो। थैंक यू।